तो हे व्हाट्सअप एलेवन, वेलकम पीपल, कैसे हो सारे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ब्लूअर्स गेमर में। और आज हम लोग दोबारा खेलने जा रहे वापस द सेम गेम नेम GTA 5। तो गाइस, जैसे कि आप लोग ने देखा होगा कि लास्ट वाली एपिसोड में हम लोग ने लॉस सैंटोस की सबसे बड़ी कंपनी यानी कि लाइफ इन्वेडर के सबसे बड़े CEO जे नॉरिस, इस नाम के बंदे को तो फिनिश कर दिया। अभी देखो यार, उसको मारने का ना हम लोग का कोई टारगेट नहीं था, बट उसने जो एप्लीकेशन डेवलप करा था ना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था, ऐसा लैस्टर कह रहा था। मतलब यार, अगर वो एप्लीकेशन मार्केट में लॉन्च हो जाता तो हम लोग को बहुत आगे दिक्कत आ सकती थी। और इसीलिए लेस्टर और माइकल इन दोनों ने मिलकर पूरा प्लान बनाकर जे नॉरिस नाम के बंदे को तो फिनिश कर दिया। अभी वो जो एप्लीकेशन का डेटा था ना सारा जे नॉरिस के कंप्यूटर में, वो सारा मैंने कॉपी कर दिया लेस्टर के हार्ड ड्राइव में, और बाकी का जितना भी डेटा उधर था वो सबको मैंने इरेज कर दिया, क्योंकि आगे चलकर ऐसा एप्लीकेशन और कोई बंदा ना बनाए इसलिए। तो अभी फटाफट से ना अभी ये जो डेटा है, ये जो हार्ड डिस्क पड़ी है, ये जाकर मुझे लेस्टर को देना है। और साथ ही में जो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आई हुई थी उसको तो हम लोग ने बहुत पहले सॉल्व कर दिया। तो गाइस यार, मेरे कहने का मतलब बस ये कि आपके भी लाइफ में ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम आती होगी, तो उसे भी ना यार ऐसे फ्रस्ट्रेशन में कभी भी सॉल्व मत करना। जितना आप लोग अपने प्रॉब्लम को प्यार से सॉल्व करोगे, जितना आप अपने प्रॉब्लम को देखकर सॉल्व करोगे ना, उतना आपके लाइफ में कम प्रॉब्लम आएंगे। तो यार बस कहने का मतलब इतना ही है कि कभी भी यार डरो मत अपने प्रॉब्लम से, बस उसको फेस करो और सॉल्व कर दो आपके लाइफ के प्रॉब्लम को जितने भी आते हैं। ओके, तो आज का जो वीडियो है बहुत ज्यादा मोटिवेशनल बन चुका है, तो वीडियो को ना खींच कर लेकर आते गेम प्ले वीडियो में। और मैं आप लोग को आज बताता हूँ कि आज का जो दिन है माइकल का, वो बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि यार आज के दिन ना हम लोग को ऐसी दो खुशी की बात मिली हुई है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ कि पहली खुशी वाली बात क्या है। तो सुबह सुबह ना मुझे फोन आया था ऑटो केयर शॉप के मैनेजर से, और वो बोल रहा है कि आपकी जो सुपर कार है लैम्बो वेनेनो, वो मॉडिफाइड हो चुके हैं, तो आकर आप उसको लेकर जाओ। तो देखो गाइस यार, मेरे को कोई भी आइडिया नहीं कि अपनी जो लैम्बो वेनेनो है वो किस तरह से मॉडिफाई हुई है, पर वो जो मैनेजर है वो मुझे बोल रहा था कि आपकी जो कार के ऊपर जो पेंट लगा हुआ है ना, वो आपको GTA 5 में किसी भी कार के ऊपर दिखने को नहीं मिलने वाला है कभी भी। तो सही में गाइस यार, इस चीज से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि अपने को जो कार के ऊपर पेंट चाहिए था ना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक चाहिए हुआ था। तो ये हो चुकी है अपनी पहली खुशी वाली बात। लेकिन जो दूसरी खुशी वाली बात है ना, वो मैं आप लोग को बताऊंगा नहीं, बस चलकर दिखाने वाला हूँ कि वो चीज क्या है। बट हाँ, मैं आप लोग को इतना हिंट दे सकता हूँ कि अपना जो डीलरशिप शोरूम है ना, उसका जाकर मुझे आज फाइनल पेमेंट करना है उस बिल्डर को। अभी जिन जिन लोग को समझ चुका होगा ना कि वो चीज क्या है, तो वो जाकर फटाफट कमेंट में लिख दो। और हाँ यार, जिन लोग को बात नहीं पता चली कि वो सेकंड सरप्राइज चीज क्या है, तो यार कोई बात नहीं, आप लोगों को मैं चलकर दिखा दूंगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। वैसे अभी आप यहां पर देखो, सुबह के मॉर्निंग हो चुके और भाई हम लोग बिना फ्रेश हुए आपसे मैं बात कर रहा हूं। तो अब एक काम करते हैं ना, सबसे पहले बाथरूम में जाते हैं, फ्रेश होते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, और उसके बाद सीधा निकलते हैं अपने लैम्बो वेनेनो को लेने के लिए ऑटो गैराज शॉप में। वैसे एक सेकंड, यहां पर जिमी क्या कर रहे हैं मैं देख लूं। ओके, यहां पर ये सो रहा है अभी। भाई यार, इसको उठाने की भी जरूरत नहीं, वैसे ये रात भर गेम खेलता रहता है। वैसे एक सेकंड, इसके टीवी पे इतना बड़ा स्क्रैच कैसे आया भाई? चलो कोई ना यार, फ्रस्ट्रेशन में आकर इसने शायद से ये स्पीकर बीकर फेंक कर मारा होगा, शायद मुझे यही लग रहा है। वैसे आप देख सकते हो जिमी भी बहुत ज्यादा आलसी बन रहा है दिन भर। कोई ना, चलो इसको भी हम लोग अपने लाइन पर लेकर आएंगे। वैसे फटाफट अभी मैं एक काम करता हूँ ना, अपना मुंह भी धो लेता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ, और फिर मैं आप लोग को मिलता हूँ। तो चलो गाइस यार, यहाँ पर अपना माइकल नहा के पूरा फ्रेश हो चुका है। तो अभी ना मैं आप लोग को चलकर एक चीज दिखाता हूँ, जिस चीज को देखकर आप बहुत ज्यादा हैरान होने वाले हो। तो सबसे पहले मुझे वार्डरोब रूम के अंदर चलना होगा। और ओके, तो जैसे कि आप लोग अभी यहाँ पर देख सकते हो कि अपने पास जितने भी पैसे बचे हुए थे वो सारा मैंने वार्डरोब के रूम में लाकर अभी स्टोर करा हुआ है। तो अभी ना इन पैसे को मैं यहाँ पर ही नहीं रखने वाला हूँ, इनको कहाँ पर, तो अपने सीक्रेट रूम में स्टोर करूंगा। या लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं डोर जो गया है, वहां पर अंदर एक कमरा है, वहां पर भी मैं रख दूं, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता कि अपने जो पैसे वो ऐसे खुले अपने घर पर पड़े, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी बाहर के ऐरे गहरे चोरी चकारे को ये बात पता चले कि अपने घर में इतना ज्यादा पैसा है। नहीं तो यार, उसको बात ये पता चलेगी तो वो सीधा अपने घर में घुसकर चोरी कर देगा। वैसे फ्रैंकलिन ने भी कोई कम चोरी नहीं करी थी अपने घर से, आप लोग को तो याद होगा उसने कैसे अपने घर पे घुसकर अपनी कार को चोरी करा था। तो वैसे कोई दूसरा भी चोर कर सकता है। तो चलो यार, अभी इसका बाद में देखेंगे, बट अभी एक काम करते हैं, सबसे पहले अपने कपड़े को चेंज करते हैं। तो यहां पर ना मैं सूट ही पहनने वाला हूं, फुल सूट को। क्यों गाइस, मैं आप लोग को बताता हूं, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सूट है ये माइकल के ऊपर कितना ज्यादा ऑसम लगता है। और आज से ना हम लोग ऐसे सूट पहनने वाले, क्योंकि अभी हम लोग नॉर्मल बंदे और गैंगस्टर के अलावा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी
भी बन चुके हैं क्योंकि अभी अपना जो शोरूम है ना वो स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी। तो अभी यहाँ पर फटाफट मैंने कपड़े तो चेंज करे हुए, तो अभी काम करते पहले कुछ कैश को भी कैरी करते क्योंकि मैं जब जाने वाला अपनी कार को लेने के लिए तो भाई थोड़ी वो फ्री में देने वाला है, कुछ पैसे तो उसको देने पड़ेंगे। और साथ ही में मुझे एक्स्ट्रा कैश को भी कैरी करना है क्योंकि यार आप लोग को पता है कि आज मेरे को अपने शोरूम के फाइनल पेमेंट को भी करना है, तो वो भी हम लोग चलते चलते करेंगे। तो यहाँ से ना अभी मैं अपने कैश को थोड़े से कैरी कर लेता हूँ। आप लोग को पता है अपना जो शोरूम है उसका कोई तो 2.5 मिलियन डॉलर्स देना है उसको, और बाकी जो कार का है वो तो मैंने पहले उसको एडवांस दे दिया है, तो उसको बस खाली 50% ही अभी देना है। तो चलो अभी पैसे को भी कैरी कर लेता हूँ। तो चलो अभी मैंने कैश को कैरी कर लिया इस बैग में, तो अभी मैं आप लोग को ना पहले लेकर चलता हूँ उस चीज को दिखाने के लिए जो अपना सेकंड सरप्राइज है आज के दिन का, और उसके बाद सीधा चलेंगे पेमेंट करने के लिए इस डीलर को और उसके बाद उस मैनेजर को। तो अभी मैं नीचे उतर चुका हूँ, तो जाकर बैठते अपने गाड़ी में और निकलते यहाँ से। तो यार जाने से पहले ना मैं एक चीज नहीं भूल सकता हूँ जो कि इस जूस को पीना, क्योंकि आप लोग को पता है अगर मैं ये जूस पीना भूल जाऊँ तो भाई अपने अमेंडा है वो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा भड़केगी। और वैसे ये जो अपनी मेड है ना ये अपने जूस को बनाती है, तो इसका नाम एवा है। और भाई यार ये जो मेहनत करती है ना घर में वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपनी ये जो वाइफ है ना बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जलती रहती है, चिल्लाती रहती है, बहुत ज़्यादा बुरी है एमेंडा सही में। यार छोड़ो वैसे उसके ऊपर ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, आप लोगों को पता है वो कितनी ज़्यादा खतरनाक है। तो चलो अभी आप ये जो कार को देख रहे हो ना ये वही कार है जो हम लोग ने ऑटो गैराज शॉप से लेकर निकले थे लेस्टर के घर के लिए। तो अभी इसी कार को मुझे जाकर उस मैनेजर को भी रिटर्न करना है, और साथ ही में अपने लैम्बो वैनो को भी लेना है। वैसे यार ये स्पोर्ट कार है, और एक सेकेंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके ऊपर भी इन लोग ने क्या ही पेंट करा हुआ है। तो इससे ही अंदाजा लगाकर हम लोग देख सकते हैं कि अपनी जो लैम्बो वेनेनो है उसके ऊपर उन लोग ने कितनी तगड़ी मॉडिफिकेशन करी होगी। तो चलो अभी मुझे इस कार को पूरे संभाल के चलाना होगा क्योंकि अगर इसके ऊपर कोई स्क्रैच आएगा ना तो इसका भी पेमेंट मेरे को करना होगा। लेकिन एक सेकेंड भाई, ये लोग अपने घर के बाहर वो भी गेट के सामने कार पार करके सिगरेट विगरेट पी रहे हैं। भाई ये कोई पब्लिक प्लेस नहीं, इन लोगों ने एक रैप टाइप बजाता है, साले इधर आ तू भी इधर आ, बात किससे करे फोन पर, अपनी गाड़ी को लेकर निकलो, भिड़ेगा मेरे से इधर। और भाई एक सेकंड, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रही है तो फोन पर ही बात करे, इसको ही पहला पीटता हूँ इधर। हाँ ये कोई तुम लोग को पब्लिक प्लेस दिखते हैं हम लोग के घर के बाहर, तुम लोग वो भी गेट के सामने खड़े रह के बात भी कर रहे, वो भी आप देख पा रहे हो, और कार को सीधा गेट के सामने पार करी हुए। और वैसे कार भी यार बहुत ज्यादा औसम है भाई, हम लोग को भरे ही जा रहे हैं, मैं क्या बात कर रहा हूँ। एक मिनट, इसको पहले मेरे को देना होगा शॉट, इधर आ भाई यार। ओ हो डिफेंस कर रहे भाई यार। गाइस ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, एक मिनट दो चार रैप्टे खाएगा तब जाकर समझ में आएगा। वैसे एक सेकंड, गन है ना मेरे पास, अभी ये भागने वाले। और तू इधर आ, तू भी निकल भाई, इसको तो कोई फर्क ही नहीं, आप देख सकते यार भाई। ओ भाई फोन पर ही बात कर रहे, निकल। ओके चलो गाइस ये भी निकल चुका है, वैसे ये गाड़ी यहाँ पर ही कोई छोड़कर भागा, गाड़ी तो लेकर जा। ओके चलो कोई ना, वैसे एक गाड़ी मिल चुकी है अपने को। ओके भाई चलो कोई ना, यहाँ पर ही इसको रखते हैं, बाद में आकर लेकर जाएगा। तो गाइस अभी हम लोग फटाफट से गाड़ी के अंदर बैठते, यार मैं फालतू का यहाँ पर टाइम को वेस्ट कर रहा हूँ, और चलता हूँ आप लोग को शोरूम दिखाने के लिए। तो भाई चलो अपनी गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट, तो बस इस कार को मुझे संभाल के चलाना होगा, तो लेट्स गो। तो ओके गाइस हियर वी गो। जैसे कि अभी आप लोग सामने की तरफ देख सकते हैं हम लोग अपने शोरूम के बाहर आ चुके हैं, और यहाँ पर अभी बिल्डर ने शायद से स्टॉप का बोर्ड लगाया, मतलब यार अभी भी अपना जो शोरूम है ना वो स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब थोड़ा थोड़ा शायद काम बचा हुआ है। वैसे यार कोई भी काम नहीं बचा हुआ दिख रहा है। ऊपर की तरफ आप देख सकते हो मेरे शोरूम का नाम है गैलेक्सी, वैसे अभी ये टेम्पररी नेम है, बाद में हम लोग जाकर चेंज करेंगे। यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट देख सकते हो यार इस बिल्डर ने पूरा सीसीटीवी भी लगा दिया। भाई यार इसका काम तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। वैसे एंट्रेंस करती है आप लोग को सामने की तरफ आप देख सकते हो ये तीन फ्लावर के पॉट्स देखने को मिलेंगे। वैसे यार एक सेकेंड, यहाँ पर आप फ्लोरिन का काम देखो यार, भाई यार क्या ही तगड़ा वाला काम कर दिया इस बंदे ने। वैसे दो तीन दिनों से ना मैं भी अपने शोरूम में विजिट नहीं कर रहा था देखने के लिए कि कितना ज्यादा काम हो चुका है, पर अभी मैं ये सब कुछ देख रहा हूँ ना भाई, मेरे आके चौक में आ चुके हैं। मतलब ये जो बिल्डर है इसने पूरा तो मेनली फोकस पहले फ्लोरिन पे लगा दिया, मतलब देख पा रहे हो और कितना ज्यादा प्रोफेशनल और कितना ज्यादा लग्जरियस फीलिंग दे रही है यार इस फ्लोरिन को देखकर। वैसे चलो यार वो तो सब ठीक है, लेकिन अभी आप यहाँ पर देखो इसने एक छोटा सा ऑफिस बनाया हुआ है जो कि कितना ज्यादा कड़क लग रहा है यार सही में। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी बड़ी इसने फ्लैट टीवी लगाई हुई है। इस टीवी पर ना हम लोग यार अपनी शोरूम की एडवर्टाइजिंग करेंगे, मतलब जो भी बंदे यहाँ पर आएंगे ना कार्स को खरीदने के लिए वो सबसे पहले तो यहाँ पर आकर सोफा में बैठेंगे, और उसके बाद अगर उन लोग की नजर टीवी पर गई तो उन लोग को सिर्फ अपने शोरूम के बारे में एडवर्टाइज होने वाले। तो भाई यार बहुत ज्यादा बंदे तो हैरान होने वाले ऐसा शोरूम देखकर। ओके तो यहाँ पर आप देखो भाई ऑफिस का टेबल है, मतलब कितना ज्यादा यूनिक सा डिजाइन है, और साथ ही में इसके ऊपर जो ट्रॉफीज रखे हुए हैं भाई साहब यार मानना पड़ेगा ये जो बिल्डर के इंटीरियर्स के भी काम है ना बहुत ज्यादा औसम है। वैसे
मैंने आप लोग को एक चीज बोली थी जब हम लोग उस बिल्डर के ऑफिस में गए थे, ये जो सामने की तरफ आप देख पा रहे हो ना ये वॉल क्लॉक, इस क्लॉक को तभी मैं देखकर बहुत ज्यादा पसंद करा था कि ऐसा क्लॉक हम लोग के भी शोरूम में लगाएगा। और साथ में यार उसने देख रहे हो यार पीछे की तरफ भी डायमंड की तरह कुछ तो यार कुछ लगा दिए क्लॉक के, भाई बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। वैसे एक चीज यहाँ पर मिस है जो है कॉफी मशीन, तो उसका मैंने ऑर्डर दे दिया तो कॉफी मशीन भी आती होगी। तो फाइनली यार यहाँ पर आप देख पा रहे हो यार अपना जो ऑफिस है ना यहाँ पर दो सीट रखे हुए, एक सीट पर तो मैं बैठूंगा क्योंकि भाई हम लोग इस शोरूम के ओनर है, और साथ में यहाँ पर जो सेकेंड सीट है यहाँ पर मैं अपने जिमी को बिठाने वाला और उसको भी अभी थोड़ा बिजनेस सिखाएंगे। वैसे यार जिमी करेगा कि नहीं मेरे को नहीं पता, बट हाँ एक मैनेजर को मैं अपॉइंट करने वाला हूँ, क्योंकि समझो अगर जिमी नहीं करने को बोला तो वो जो मैनेजर रहेगा वो अपने बिजनेस को हैंडल करेगा। तो चलो अभी मैनेजर को अपॉइंट करना, और साथ में यार ये जो अपना शोरूम है ना इसको एडवर्टाइजिंग हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन अभी आपने ये जो देखा ये था फर्स्ट फ्लोर, तो अभी मैं आप लोग को चलकर ना सबसे पहले सेकंड फ्लोर को भी दिखाता हूँ कि बिल्डर ने किस तरह से डिजाइन करा है। तो भाई अभी हम लोग आ चुके हैं सेकेंड फ्लोर पे, और ओके यहाँ पर भी ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं। वैसे यार यहाँ की भी फ्लोरिंग सेम ही है फर्स्ट फ्लोर की तरह, बट यार एक सेकंड यहाँ पर उसने शायद कारपेट को लगाए हुए थे। ओके तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसने यहाँ पर दो कारपेट लगाए हुए, मतलब शायद से ना यहाँ पर उसने कुछ अलग सा सोचा होगा। तो चलो वैसे यार ठीक है, उसका जो डिजाइन है ना बहुत ही ज्यादा यूनिक ही रहता है। वैसे अभी चलते थर्ड फ्लोर के ऊपर और देख कर आते, भाई थर्ड फ्लोर भी सेम है बट कितना ज्यादा यूनिक लग रहा है। मतलब यार तीनों भी यार कॉन्सेप्ट सेम है फ्लोर के, कोई डिफरेंट नहीं फ्लोरिंग को लेकर। तो अभी मैं आप लोग को बता तो कि अपनी जो कार बाइक्स रहेगी ना वो किस तरह से यहाँ पर तीनों फ्लोर पर मैं अरेंज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो फर्स्ट फ्लोर था ना वो अपना मेन फ्लोर है, तो वहां पर ना मैं सारे टॉप मॉडल्स कार और टॉप सुपर बाइक्स को रखने वाला हूँ। सेकंड फ्लोर पे सारे सुपर कार और कार्स को रखूंगा, और साथ ही में ये जो थर्ड फ्लोर है ना यहाँ पर हम लोग रखने वाले सुपर बाइक्स को। तो मतलब यार अपना जो शोरूम है वो पूरा तो फिल होने वाला है कार और बाइक को लेकर, बट अभी वो जो कार और बाइक से जो मैंने गैराज में पार्क करे हुए थे अपने टिंसल टावर गैराज में, उनको भी मुझे लेकर आना होगा अपने शोरूम में, उसके बाद ही अपना जो शोरूम है वो स्टार्ट होने वाला है। तो अभी उनको भी लेकर आने के लिए ना मुझे तीन ट्रेलर की जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि दो ट्रेलर में तो कार आ जाएंगे और एक ट्रेलर है वहां पर अपने बाइक्स आ जाएंगे। तो अभी चलो वो भी हम लोग करेंगे, लेकिन अभी मुझे ट्रेलर को भी जाकर परचेस करने होगा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं टेरेस पर, और यहाँ पर एक सेकेंड मैंने उसको बोला था कि टेरेस के ऊपर कोई काम नहीं करना है, वैसे ये कर रहे हैं क्या? अगर देखने ना तो गाइस यार टेरेस के ऊपर ना कोई जरूरत नहीं फ्लोरिंग की, क्योंकि यार टेरेस जो है ना वो बेसिकली पार्टी के लिए होने वाला है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम बंदे तो सीधा कार परचेस करेंगे और निकल लेंगे, बट जिन लोगों को सेलिब्रेशन करना है वो ही आकर टेरेस में पार्टी करेंगे। तो मैंने उसको बस बोला था कि ऊपर कोई काम नहीं करो, बस ये जो साइड में आप देख पा रहे हो ना ये पूरा ओपन है, तो इसको यहाँ पर ना एकदम जैसे यहाँ पर ग्लास लगाए हुए ना वैसे यहाँ से पूरा लगा दो, क्योंकि यार कोई बंदा अगर नाचते नाचते नीचे गिर गया तो भाई यार सीधा जाकर मर ही जाएगा भाई साहब। वैसे नहीं यार यहाँ पर गैलरी पे गिरेगा, पर यहाँ पर साइड साइड से आप देख पा रहे हो ना ओपन है, तो यहाँ पर लगाने के लिए। तो चलो यार अभी देखते हैं। वैसे अभी हम लोग जाने वाले उसके ऑफिस में जाकर उसको पेमेंट करने वाले, तो उसको बोल देते कि अपना जो टेरेस है उसके ऊपर कोई काम मत करो। तो चलो अभी गाइस अपना जो शोरूम है वो पूरा तो बन चुका है, बस अभी कार्स को लेकर आने, तो वो भी हम लोग को काम करना है आज ही। तो देखेंगे यार अगर टाइम मिला तो आज ही करेंगे, वैसे रात होगी तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि यार अभी आप वेदर देख पा रहे हो कितना ज्यादा चेंज हो चुका है। मतलब अभी तक यार मतलब धूप निकल कर आई थी, लेकिन अभी आप देख रहे हो तो पूरा भाई साहब यार फॉग से भर चुका है अपना लॉस सैंटोस। तो अभी चलो फटाफट से नीचे उतरते, और सही में यार गाइस मुझे कमेंट में बता देना कि आप लोग को अपना जो शोरूम है वो कैसा लगा। मतलब यार इतना तगड़ा शोरूम आप लोग ने देखा ही नहीं रहेगा लॉस सैंटोस में। तो अभी फटाफट से नीचे चलते और गाड़ी में बैठकर निकलते बिल्डर के ऑफिस में, जाकर उसको पेमेंट करते और बाद में सीधा चलते अपने वेनों को लेने के लिए। तो अभी मैं चलता हूँ नीचे। तो चलो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अपने शोरूम के नीचे, तो अभी फटाफट से इस कार के अंदर बैठता हूँ। और भाई यार ये कार ना सही में मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ चुके। वैसे अगर ये किसी की कार नहीं रहेगी तो हम लोग इसको भी परचेस कर लेंगे अभी जा रहे तो, बट अभी यहाँ पर मैं आप लोग को ना अपने शोरूम की एक चीज दिखाता हूँ, जैसी रात हो जाएगी ना तब मैं आप लोग को शोरूम दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से ये लगता है। तो अभी फटाफट से चलते डायनेस्टी बिल्डर के ऑफिस में, और जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि अपना जो बिल्डर का ऑफिस है वो कितना ज्यादा अपने घर से क्लोज है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। और एक सेकेंड भाई मुझे ना अपनी इस कार को पहले ढंग से चलानी होगी, एक काम करता हूँ ना ऑफिस की साइड में पार्क कर देता हूँ, और आप देख सकते हो वहाँ पर उस बिल्डर की भी कार है, तो एक काम करते हैं ना यहाँ पर ही पार्क कर देता हूँ, सेफ रहेगी, वो जो ड्राइवर है वो ध्यान रखेगा और वो किस तरह से अंदर बैठा हुआ है। तो चलो अभी वैसे कुछ नहीं, एक मैंने दरवाजा ठोक दिया, ओके ओके कोई ना, चलो कोई स्क्रैशेज नहीं आए।
तो फटाफट अभी चलते बिल्डर के ऑफिस में, आ तो चुके वैसे, अंदर चलते और जाकर उसको पेमेंट करते हैं। और एक सेकंड, तो चलो यार अभी मेरी ना इस लड़की के साथ बात हो चुकी है और ये लड़की बोल रही कि सर आप बिंदास अंदर जा सकते हो और आप पेमेंट कर सकते हो आपकी शोरूम की। मतलब यार आप देख पा रहे हो, जब फर्स्ट टाइम हम लोग आए थे तो उसने हम लोग को येड़ा बनाया था, बोला था सर मीटिंग में 5 मिनट के लिए वेट करो, अभी बोल रही मीटिंग चल रही है लेकिन आप तब भी अंदर जा सकते हो। तो चलो अभी हम लोग आ चुके हैं अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्डर की मीटिंग चल रही किसी डीलर के साथ, ये भी शायद से कोई डीलर लग रहा है। तो चलो अभी इन लोग की बात होने देते फिर हम लोग जाकर पेमेंट कर देते। तो चलो गाइस यार फाइनली हमारी जो शोरूम की पेमेंट थी वो फाइनल हो चुकी है, मैंने इस बिल्डर को दे दिया है जो कि 2.5 मिलियन डॉलर हुए थे। तो अभी ना इसने मुझे एक ब्रीफकेस दिया है जिस ब्रीफकेस के अंदर हमारे शोरूम के सारे पेपर से सारे डील्स के पेपर है और साथ में अपने शोरूम की जो प्रॉपर्टी है आज से उसके भी पेपर अपने पास आ चुके। तो अभी ये जो अपना बिजनेस है ना ये एक लीगल बिजनेस होने वाला है, तो इसमें कोई भी यार अपने को डरने की बात नहीं कि पुलिस आकर यहाँ पर रेड बीट करे। तो अभी एक काम करते, मेरी जो कार थी वो मैंने कहाँ पर पार्क करी भाई, यहाँ पर ही रखी हुई थी ना, चलो इससे बात करता हूँ शायद इसने कहाँ पर जाकर पार करी हो। तो अभी यार देखो ये जो ब्रीफकेस है ना इसके अंदर सारे महत्वपूर्ण पेपर है, तो अभी मेरे को इसको भी सेफली रखना होगा। तो अभी मेरे को टाइम नहीं अपने घर पर जाकर इसको रखूँ, तो फटाफट अभी सबसे पहले मेरे को जाकर अपनी लैम्बो वेनेनो है उसको भी लेकर आना है। तो चलो अभी मैं इससे बात करता हूँ और अपनी कार के बारे में पूछता हूँ। ओके तो अपनी जो कार है ना इसने सेफली पीछे की तरफ पार्क करी हुई है, तो फटाफट अभी चलते कार में और बैठते। और ये आप राइट साइड में आप देख सकते हो एक्लिप्स टावर है भाई, ये भी बिल्डिंग बहुत ज्यादा बड़ी है, इसके अंदर भी रूम्स है। तो यार मैं सोच रहा हूँ अभी ना एक कहाँ तो अपनी एक प्रॉपर्टी लेकर रखते घर की प्रॉपर्टी, मतलब यार अभी हम लोग इतने बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं एक घर होना भी बहुत ज्यादा गरीब वाली फील देती है। तो चलो यार अभी ये सब बात का काम है, अभी ये हम लोग नहीं करने वाले। तो अभी फटाफट के चलते अपने गाड़ी को निकालते। ओके तो अपनी जो ये स्पोर्ट कार है अपनी नहीं बोल सकते यार जब तक हम लोग इसको परचेस नहीं करें, तो इसको अभी मुझे सेफली ड्राइव करके लेकर जाना है उस गैराज में। तो अभी चलते हैं फटाफट से। और एक सेकंड, वापस से मुझे अपने फ्रैंकलिन के रोड से जाना है। ये फ्रैंकलिन के रोड से जाने की ना मजा ही कुछ अलग है, मतलब यार पूरे पतले पतले से रोड होते हैं ना, और ये जो स्पोर्ट कार है ना ये इस चीज के लिए बनी, मतलब आप लोगों को मैं दिखाता हूं। सबसे पहले देखना अभी यहां से ये कट कैसी लेगी। ओ भाई भाई साहब यार कट लेने के बावजूद ना मैंने वो डब्बे को ही ठोक दिया और अपनी गाड़ी के ऊपर स्क्रैच नहीं आया ना। चलो कोई ना, तो चलो अभी चलता होगा इस फटाफट कार को भगाते हुए, मतलब यार इसको भगाने का जो मजा आने वाला है ना वो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल आने वाला है। तो चलो अभी मैं मिलता आप लोग को डायरेक्टली ऑटो गैराज शॉप में। तो चलो गाइस यार इस स्पोर्ट कार को भगाते भगाते अभी मैं पहुंचने वाला हूँ अपने ऑटो गैराज शॉप के पास, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और एक मिनट, यहाँ पर मुझे कसकर ब्रेक मारना होगा क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो ये जो पत्थर गिरे हुए हैं ना माउंटेन से आकर, भाई ये पूरे आधे रोड पर आ चुके हैं। तो भाई साहब यार सही में अभी हम लोग बच चुके हैं, नहीं तो यार अगर अपनी कार टूक जाती ना तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, साथ ही में स्पोर्ट कार की डैमेज भी बहुत होती थी। तो चलो अभी जो अपनी लैम्बो वेनेनो है वो यहाँ पर ही रहेगी अंदर गैराज के अंदर। तो मैं देखूँ तो एक सेकेंड, लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर ही छोड़ कर गए थे ना यार मॉडिफिकेशन के लिए। वैसे एक सेकंड, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक जो मॉन्स्टर ट्रक थी वो भी अभी यहाँ पर नहीं, मतलब वो शायद सेल हो चुकी रहेगी। तो अपनी जो लैम्बो वेनेनो है ना वो भी मुझे लग रहा है अभी ऊपर मॉडिफिकेशन के लिए वो लोग ने लेकर गए होंगे, क्योंकि यार आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम जब भी हम लोग गैराज में आते थे तो मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी कार थे वो ऊपर ही मॉडिफिकेशन होती थी। तो चलो अभी फटाफट से मैं चलता हूँ ऊपर और जाकर देखता हूँ कि अपनी जो लैम्बो वेनेनो है वो किस तरह से मॉडिफिकेशन हुई है। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि यार गाड़ियों की तो इन लोग के पास कोई कमी नहीं है, मतलब यार यहाँ पर रिपेयर और मॉडिफिकेशन के लिए कार तो आती जाते। अभी आप यहाँ पर देखो ये कितनी बड़ी एसयूवी है, मतलब यार इन लोग ने अलग से ये पार्ट जॉइंट करा हुआ है पीछे, मतलब भाई यार इन लोग की जो मॉडिफिकेशन रहती है ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक और नेक्स्ट लेवल के। तो चलो अभी चलते ऊपर फटाफट से और देखते अपने कार को। तो चलो यार अभी मैं सीढ़ी चढ़कर गैराज के ऊपर तो आ चुका, तो अभी चलकर ना फटाफट देखते हैं अपनी कार को इन लोग ने कहां पर पार्क करी हुई है। वैसे एक सेकंड, यहां पर आप देख सकते हो सारे बंदे बाहर आकर खड़े हुए, राइट साइड में आप देखो मैनेजर भी खड़ा हुआ है। और एक मिनट, ये मुझे देखकर क्लैप क्यों करने लगे। वैसे यार जो मेरे मन में अभी जो डाउट आ रहा है ना वो शायद सच होने वाला है, क्योंकि ये सामने की तरफ जो कार देख रहे हो ना जिसके ऊपर इन लोग ने कवर लगाया हुआ है ये अपनी कार हो सकती है। वैसे अभी यहाँ पर देखो इन लोग ने एक फोटोग्राफर को भी लाया हुआ है जो कि इस कार की फोटो खींच रहे हैं, वैसे अभी कवर डाला है तो क्या फोटो खींच रहा है भाई। तो चलो गाइस यार जो मेरे मन के अंदर वो एक्साइटमेंट भरी हुई है ना वो जाकर अभी देखते हैं। तो फटाफट जाकर मैं इस मैनेजर को बोल देता हूँ कि इस कार के ऊपर का कवर निकालो, क्योंकि मैं अभी देखना चाहता हूँ अपनी कार के ऊपर कितना तगड़ा मॉडिफिकेशन करा हुआ है। तो चलो यार ये जो मैनेजर है ना मुझे बोल रहा है कि सर आप जाकर ना थोड़ा पीछे खड़े हो जाओ क्योंकि आप थोड़ा सा शॉक्ड होने वाले हो। तो चलो अभी मैं पीछे तो खड़ा हो गया हूँ कार से ज्यादा दूर पर खड़ा हो, तो अभी देखते हैं क्या शॉक ये देने वाले हम लोग को। तो भाई चलो यार यहां पर इन लोग ने इतना बड़ा धमाका कर क्या सरप्राइज पीछे रखा हुआ है। और ओ भाई अपनी कार को देखो गाइस एक बार, एक मिनट में फ्रंट व्यू से दिखाता हूं।
भाई यार इन लोग ने क्या ही तगड़ा पेंट करा हुआ है अपने कार के ऊपर, मतलब मानना पड़ेगा यार इन लोग की जो मॉडिफिकेशन है ना वो बहुत ज्यादा तगड़ी है। वैसे इस बंदे को देखो ये कितना ज्यादा एक्साइटेड हो चुका, मतलब यही शायद से वर्कर रहेगा जिसने अपनी कार को मॉडिफाई करी है। बट यार कुछ भी बोलो, जो पेंट इन लोग ने ऊपर अपने कार के ऊपर करा है ना, मानना पड़ेगा यार नेक्स्ट लेवल की मॉडिफिकेशन करी हुई है। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, और मैंने आप लोग को बहुत पहले ही बोला था कि इन लोग की जो पेंट रहती है ना कार के ऊपर वो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल रहती है, और अभी आप रिजल्ट सामने देख ही सकते हो। तो चलो यार अभी एक काम करता हूँ, फटाफट ना इसके सामने खड़े हो जाता हूँ। मैनेजर तू भी आ जाए यार, फोटो में आएंगे। मतलब यार देख पा रहे हो कितनी तगड़ी कार लग रही है यार, मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ यार। अपनी कार का पूरा हुलिया इन लोग ने बदल डाला है। तो चलो अभी सामने खड़े देख कर एक पोज देते और फोटो खींच लेते हैं। तो मैनेजर भाई यार आप भी आ जाओ। तो चलो गाइस यार फाइनली हमारी फोटो खींचकर हो चुके कार के साथ ब्लैक इन। अब एक बार ना उस पीछे वाले वर्कर को देखो भाई यार, वो कैसे गुलांटी मारे जा रहे बंदर की तरह, मतलब वो अपने से भी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका है। तो चलो अभी मैं इस मैनेजर को ना अपनी कार की पेमेंट कर देता हूँ और उसको बोल देता हूँ कि यार बहुत ज्यादा पसंद आ चुकी है आपकी मॉडिफिकेशन, और साथ में ना इसको मैं अभी अपने डील्स के बारे में थोड़ा बताने वाला हूँ, तो वो भी हम लोग बात कर लेते हैं इससे। तो अभी चलते इसके कैबिन के अंदर। और गाइस यार सही में आप लोग मुझे बताना कमेंट में कि आप लोग को ये जो अपनी लैम्बो बनने में ये किस तरह से लगी। एक मिनट में आप लोगों को ना अंदर चल के इंटीरियर को भी दिखा देता हूं। तो फटाफट से बैठते गाड़ी के अंदर, और अभी एक काम करते हैं, हम लोग बैठ चुके गाड़ी के अंदर, तो फटाफट में एक काम करता हूं अपने इंटीरियर ऑन कर देता हूं। और ओ भाई साउंड चेक किया आपने भाई, कितना ज्यादा खतरनाक इन लोग ने पूरा करा हुआ है यार गाड़ी के अंदर। वैसे आप देख सकते हो शीशे भी पूरे ब्लैक प्रूफ है, साथ ही में टायर्स को भी इन लोग ने और बुलेट प्रूफ कर दिया है, और अपनी जो बॉडी शेल है वो भी अभी पूरी बुलेट प्रूफ हो चुकी है। तो चलो मैं आप लोग को अभी इंटीरियर दिखाता हूँ। तो ओके यार जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि अपनी जो कार की इंटीरियर्स है उनको भी इन लोग ने पूरा चेंज कर दिया। मतलब पहले रेड कलर था, बट अभी इन लोग ने कलर करके इसको किया है ब्लू, मतलब कितना ज्यादा तगड़ा लग रहा है। तो चलो फटाफट से मैं बाहर आ जाता हूँ। और भाई यार सही में जो ब्लू कलर है ना वो मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट कलर है। तो आप लोग देख सकते हो यार कार के ऊपर इन लोग ने ब्लू टेक्सचर जो लगाया हुआ है वो कितना ज्यादा ऑसम लग रहा है। वैसे मैं गाड़ी के ऊपर क्यों चढ़ रहा हूँ। तो चलो अभी मैं इस मैनेजर के साथ बात करता हूँ फटाफट से, और इसको पेमेंट कर देते हैं। तो चलो गाइस यार फाइनली हमारी जो कार की पेमेंट है मैंने इसको कर दी है, और इसको साथ ही में मैंने बोल दिया कि हम लोग ने ना एक शोरूम स्टार्ट करा है जहां पर मैं कार्स डीलर्स का बिजनेस करने वाला हूँ। तो अपने पास जितने भी कार्स है ना वो सारी कार्स को अभी मैं यहाँ पर बेचने वाला हूँ मॉडिफिकेशन के लिए, क्योंकि आप लोग देख ही सकते हो और ये जो मॉडिफिकेशन करता है ना ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल का रहता है। तो अभी ये भी एक्साइटेड है अपने बिजनेस को लेकर, और ये बोल दिया कि हाँ आप बेच सकते हो जितने कार्स है, उन सारे कार्स को मैं आपको मॉडिफाई कर अच्छे डील्स में आपको सेल करूंगा। उसके बाद आप समझ ही सकते हो कि मॉडिफिकेशन कार को अगर मैं बेचूंगा तो बहुत ज्यादा तगड़े प्राइस में बेचने वाले, और ऐसी तगड़ी मॉडिफिकेशन अगर उस कार के ऊपर भी हो जाए तो भाई यार बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल की हमारी प्रॉफिट होने वाले। तो अभी चलो यार फटाफट से इस कार को निकलते अभी, और चलते पहले घर पे, क्योंकि अपने पास जो बिजनेस के पेपर पड़े हुए हैं वो जाकर मुझे पहले घर पर रख देने, और साथ में जो लेस्टर ने हार्ड डिस्क दिया था ना वो भी मैं घर पे भूल चुका हूं, तो उसको भी लेकर मुझे जाकर देना है लेस्टर को। और उसके बाद ये सब काम होने के बाद हम लोग सीधा चलने वाले एयरपोर्ट में इस कार की स्पीड टेस्ट करने के लिए। तो अभी एक बार वापस इस कार को स्टार्ट करते, और ओ भाई यार इंजन का साउंड सुन के पूरा हैरान हो चुका हूँ यार मैं तो। चलो अभी गाड़ी को निकलते। वैसे ही सामने जो बंदा है ये अभी भी गुलांटी मारे जा रहे हैं, तो भाई यार बस कर। तो एक काम करता हूँ गाइस, चलो अभी अपना काम हो चुका है, निकलते कार को। और भाई यार देख सकते हो ये जो नियॉन लाइट्स इन लोग ने लगाए हुए कितने ज़्यादा ऑसम लग रहे हैं। तो चलो अभी अपने कार को थोड़ी सेफली निकालनी होगी। ओके तो चलो, और एक मिनट यहाँ पर ये अड़क कैसे गई। तो ओके गाइस यार यहाँ पर ना एक छोटी सी गड़बड़ हो चुकी है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप ये रोड को देखो, मतलब ये जो स्लोप है ना ये बहुत ही ज्यादा एंगल पे नीचे झुका हुआ है। वैसे तो ये तो कम एंगल है, लेकिन अभी मैं अगला आप लोग को जाकर दिखाता हूँ। तो ये देखो पूरा ऐसा लगता है 90 डिग्री का ही पूरा एंगल से इसको नीचे करा हुआ है। तो अपनी जो लैम्बो वेनेनो है ना ये यहाँ से नहीं नीचे उतरने वाली। तो अभी एक काम करता हूँ, सबसे पहले ना अपने कार को पीछे लेकर देखता हूँ कि गाड़ी पीछे होती कि नहीं। वैसे एक मिनट यार पीछे भी ट्राई करूँ तो ओके नहीं हो रही है। आप देख सकते हो यार पीछे का टायर ओके फाइनली हो चुका है। तो एक काम करता हूँ, तो अभी एक काम करते हैं, ये जो पीछे आप ट्रक देख पा रहे हो ना इसके ऊपर अपनी लैम्बो वेनेनो को लोड करते हैं, और उसके बाद ये ट्रक को ही लेकर हम लोग नीचे उतरेंगे और अपने लैम्बो वेनेनो को नीचे लोड करेंगे, और उसके बाद सीधा निकलेंगे घर के लिए। तो अभी ये करते हैं फटाफट से। वैसे कोई वर्कर करने वाला नहीं, आप देख सकते हो ये वर्कर तो पूरा पागल ही हो चुका है। तो चलो अभी ये काम हम लोग खुद ही करते हैं। तो फटाफट जाकर मैं अपने कार को पहले ट्रक पर लोड करता हूँ, और धीरे धीरे ये काम करना होगा, नहीं तो यार पहले दिन पे कोई स्क्रैच भी आ जाएगी अपनी इतनी तगड़ी सुपरकार के ऊपर। और भाई ये फोटोग्राफर अभी किसका फोटो ले रहे हैं वहां पर,
भाई पागल हो चुके हैं यहाँ पर बंदे मेरे को लग रहा है। तो चलो जैसे कि आप लोग देख सकते हो अपनी जो लैम्बोर्गिनी वेनन है इसको मैंने ट्रक के ऊपर लोड कर दिया है। तो अभी फटाफट से ना ट्रक को लेकर चलता हूँ नीचे और फिर इस कार को नीचे अनलोड करते हैं और उसके बाद भगाते हुए लेकर चलेंगे अपने घर पर। वैसे एक मिनट यार ट्रक को मुझे यहाँ से धीरे धीरे चलाना होगा और भाई यार ठुक गई। ओके ओके चलो यार धीरे धीरे चलाते हैं। और एक मिनट ये बंदे को देखो यार कितना ज़्यादा पागल हो चुका है, मतलब इतना भी ज़्यादा एक्साइटमेंट कौन होता है बे। तो चलो छोड़ो यार अभी यहाँ से आप देख सकते हो अपनी जो ट्रक है कितनी ज़्यादा इजीली नीचे उतर चुके। वैसे अभी यहाँ से टर्न लेना थोड़ा मुश्किल होने वाला है, तो चलो कोई ना मैं धीरे धीरे से करता और मिलता आप लोगों को डायरेक्टली नीचे ही। तो चलो गाइस सर फाइनली हमने अपनी लैम्बो वेनेनो को लोड पे अनलोड कर दिया। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा गर्दी लग चुकी है अपनी गाड़ी को देखने के लिए, सारे बंदे गाड़ी से अपनी कार को देख रहे हैं। तो चलो अभी भगाते हुए लेकर चलता हूँ अपने घर के लिए। और ओ भाई साहब यार आप देख सकते हो इसकी स्पीड इन लोग ने कितनी ज़्यादा बढ़ा दी है, भाई यार क्या ही इंजन लगा है इन लोग ने। तो चलो गाइस सर अभी मैं आप लोग को मिलता हूँ डायरेक्टली घर पर और बाद में हम लोग चलने वाले एयरपोर्ट में। तो ओके ये यहाँ से रोड था, ओके ओके मैं वेट। वैसे यार फ्लो में ना मैं गलत ही रोड पर चला जाता क्योंकि आप देख सकते हो ये जो पीछे का रोड जाता है ना ये कहीं तो अलग ही गांव से जाता है। तो अच्छा हो मैंने गूगल मैप्स में देख लिया। तो अभी अपने जो लॉस सैंटोस के लिए रोड जाता है ना वो भी ऐसा सेम ही दिखता है, मैं आप लोगों को चलकर दिखाता हूँ। तो ओके अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। तो ये आप देख सकते हो ये वाला भी राइट कट उसी की तरह है, पूरा सेम दिखता है यार, इसकी वजह से कन्फ्यूजन हो गया। तो चलो अभी कोई ना यार फटाफट गाड़ी को भगाते हुए मैं लेकर चलता हूँ अभी अपने घर पे। पहले जाएंगे एयरपोर्ट में, नहीं यार पहले जाना पड़ेगा मेरे को लेस्टर के घर पे, उसको जाकर वो हार्ड डिस्क देना है। तो चलो अभी मैं भगाते हुए लेकर चलता हूँ इस लैम्बो वेनेनो को। वैसे गाइस सर मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाना ही भूल गया, तो आप ये देखो एक बार अपने जो टायर से स्मोक कितने तगड़े निकल रहे और क्या ही कलर है यार भाई, यार मानना पड़ेगा यार क्या ही मॉडिफिकेशन करी हुई है। तो गाइस यार आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग को ये जो अपनी लैम्बो वेनेनो है ये किस तरह से लगी हुई है, मतलब यार इसकी जो मॉडिफिकेशन है ये टॉप क्लास मॉडिफिकेशन है कि नहीं, और ऐसी आप लोग को पेंट कहाँ पर भी दिखने मिलेगी कि नहीं लैम्बो वेनेनो के ऊपर, ये भी बताना। तो चलो अभी मैं चलता हूँ फटाफट से इसको भगाते हुए। तो चलो यार चलते चलते लगे आज मैंने फ्रैंकलिन को भी कॉल कर दिया क्योंकि यार अभी हम लोग ना फ्रैंकलिन को भी कैरी कर जाने वाले एयरपोर्ट में, क्योंकि आप लोगों को पता रहेगा कि एक बार हम लोग जब एयरपोर्ट गए थे तब उसकी कार की स्पीड टेस्ट करने गए थे, बट आज हम लोग अपनी कार की स्पीड टेस्ट करने वाले। तो फटाफट यार मैंने उसको कॉल करके बोल दिया कि तुम घर के बाहर आकर वेट करो। वैसे एक मिनट मैं तो पहुंच चुका हूँ उसके घर के बाहर और एक मिनट फ्रैंकलिन अब तक बाहर नहीं आया, शायद फ्रेश होता रहेगा। तो एक काम करता हूँ मैं अपनी कार का हॉर्न बजाता हूँ और आप भी सुनना यार इस कार का जो हॉर्न है वो कितना ज़्यादा ऑसम लगाया हुआ है। भाई यार लिबर्टी वाला लूप इस पर लगा दिया, कितना ज्यादा ऑसम लग रहा था। चलो अभी वेट करता हूँ फ्रैंकलिन का आता है कि नहीं। तो चलो गाइस यार फाइनली आप लोग देख सकते हो फ्रैंकलिन आ चुका है, लेकिन एक मिनट ही फोन से इतना ज्यादा किससे बात कर रहे हैं। तो फटाफट आकर गाड़ी में बैठ पहले, और भाई फ्रैंकलिन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका है गाड़ी को देखकर। तो चलो गाइस अभी फ्रैंकलिन भी आ चुका है, तो अभी निकलते फटाफट से पहले घर पे हार्ड डिस्क को कैरी करते, उसके बाद चलते सीधा लेस्टर के घर पे और उसके बाद जाएंगे हम लोग सीधा एयरपोर्ट इस कार की स्पीड टेस्ट करने के लिए। वैसे यार हम लोग को एक और काम कर रहे हैं जो कि मैं भूल गया हूँ, आप लोग को पता रहेगा कि अपना जो शोरूम है उसके अंदर अपने को अभी सारी कार्स को लेकर आना है। तो हाँ तीन ट्रेलर भी मेरे को रेंट में परचेस करने होंगे, तो चलो यार वो भी करेंगे आज ही रात होने से पहले। तो अभी फटाफट से चलता हूँ मैं घर पर पहला, क्योंकि यार पहला काम ही अपना घर पर। और एक मिनट यहाँ पर मुझे ब्रेक लगाना होगा, और भाई यार ब्रेक क्या ही सडनली लग चुके हैं, मतलब यार जो ब्रेक का भी काम इन लोग ने किया है ना वो बहुत ज़्यादा तगड़ा करा हुआ है। तो ये सब भी ना हम लोग को एयरपोर्ट में ही पता चलेगा जब हम लोग इस कार को फुल स्पीड में भगाएंगे और देखेंगे ब्रेक ब्रेक सब मार करते। चलो अभी मैं चलता हूँ घर पे। तो ओके गाइस हियर वी गो, जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोग पहुंच चुके अपने घर के बाहर। और एक सेकेंड यहाँ पर वो बंदे ने अब तक अपनी कार को यहाँ से नहीं लेकर गया, वैसे डर गया रहेगा यार गन देखने के बाद कौन वापस आने वाला है लेने के लिए कार। तो छोड़ो यार अभी अपना जो माइकल का डर है ना वो धीरे धीरे लॉस सैंटोस में बैठने वाला है। वैसे अभी हम लोग पहुंच चुके घर पे, तो फटाफट चलकर मैं घर पे जाकर ना पहले वो जो बिजनेस के पेपर है ना ये जो ब्रीफ केस के अंदर रखे हुए वो सब कुछ मैं रख देता हूँ पहले सेफली अपने घर पे जाकर, और बाद में हार्ड डिस्क लेकर हम लोग निकलने वाले लेस्टर के घर पे। तो फटाफट यार फ्रैंकलिन तू भी आ जा, चल कुछ खा पी लेते पहले क्योंकि यार इसके बाद हम लोग को बहुत कुछ काम करना है। तो चलो गाइस यार फटाफट से अभी मैं चलता हूं अंदर और चलकर पहले सब कुछ ये काम कर लेता हूं फिर निकलते हैं। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अपना जो माइकल है वो रेडी हो चुका है लेस्टर के घर पे जाने के लिए। तो अभी आप यहां पर देखो माइकल ने जो ड्रेसिंग करी हुई है भाई कितनी ज्यादा तगड़ी करी है, मतलब यार सुपर कार आई नहीं तो माइकल ने अपना ड्रेसिंग बेसिंग करना शुरू कर दिया। तो अभी चलो फटाफट जाकर ना गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं लेस्टर के घर के लिए। और हां
वो जो हार्ड ड्राइव है ना उसको भी मैंने कैरी कर लिया, तो अभी वो जो हार्ड ड्राइव है ना उसको हम लोग को फटाफट जाकर लेस्टर को देना है, क्योंकि लेस्टर को भी अर्जेंट है उस हार्ड ड्राइव को लेने के लिए, क्योंकि उसने मुझे 2 दिन पहले ही बोला था हार्ड ड्राइव लाकर मुझे दे दो, बट हम लोग ने आजकल करके उसको टाइम बढ़ा दिया। तो अभी फटाफट से मैंने गाड़ी तो निकाल ली है बाहर, और भाई यार फ्रैंकलिन है ना मुझे कब से बोल रहे कि अभी मुझे ड्राइविंग दो, बट नहीं यार जब तक हम लोग एयरपोर्ट नहीं जाते खुद से हम लोग अपनी इस कार की स्पीड को टेस्ट नहीं करते तब तक हमें तुझे नहीं देने वाला। तो चलो गाइस यार 1 मिनट, भाई यार ये पागल बंदा रहेगा। वैसे चलो अच्छी बात है कि कोई स्क्रैच नहीं आई गाड़ी पर, तो चलो अभी निकलते फटाफट से लेस्टर के घर पे लिए। तो ओके गाइस यार गाड़ी को भगाते भगाते मैं अभी एक ऐसे एरिया में आया हूँ जिस एरिया में सारे बेलास गैंग के बंदे रहते हैं। तो आप एक बार लेफ्ट देखो राइट देखो, मतलब यहाँ पर सारे ना बेलास के गैंग के जो बंदे रहते हैं ना ऐसे ही खुले घूमते रहते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, पागल नहीं कि मैं इतने बड़े गैंगस्टर के एरिया में आऊँ, बट हाँ मैं जानबूझकर इस एरिया में आया हूँ, क्योंकि आप लोग को पता रहेगा कि एक बार अपनी बेलास गैंग के साथ बहुत पहले फाइट हुई थी, और उस फाइट में ना मैंने बेलास गैंग के बंदे लोग का मुंह भी फोड़ा था, बट अपना जो बदला है ना वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी इस एरिया में मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे ना पता चला कि जो बेलास गैंग के बंदे रहते ना वो बहुत ज़्यादा जलते हैं ऐसी कोई सुपर कार को देखकर। तो अभी अपना जो बदला है ना उनको जलाकर ही होने वाला है कंप्लीट। तो अभी ये जो सामने की तरह आप देख पा रहे हैं ना वो है मेन बेस बेलास गैंग का। तो अभी मैं गाड़ी को लेकर वहाँ पर भगाते हुए लेकर जाने वाला हूँ और ड्रिफ्ट मारने वाला हूँ, और जाकर देखते कि बेलास गैंग के बंदे लोग का रिएक्शन क्या होता है। क्या पता वो लोग जलते, क्या पता वो लोग फाइट भी कर सकते हैं अपने साथ लफड़ा भी कर सकते हैं, तो उसके लिए भी मैं रेडी हूँ। तो चलो गाइस 3, 2, 1 और अभी देखते हैं बेलास गैंग के बंदे लोग क्या बोलते हैं देखकर गाड़ी को। और आप लोग देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं बेलास गैंग के मेन बंदे पे, और यहाँ पर ना बंदे लोग थोड़ा सा शॉक्ड हो चुके इतनी तगड़ी सुपर कार को देखकर। तो अभी देखता हूँ ये लोग क्या बोलते हैं। वैसे गाइस सर अभी आप देख सकते हो बेलास गैंग के बंदे ना थोड़ा शातिर दिमाग से काम ले रहे, मतलब आप देख पा रहे हो लेफ्ट साइड में जो बंदा है ना उसने गन भी निकाल कर अपने ऊपर अटैक करने लग गया। भाई भगाओ गाड़ी को, ओ शिट 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 शिट, ओ भाई यार जलाने को गए तो फायरिंग ही करने लगे। वैसे 1 मिनट यार मुंह तो फोड़ के जाने वाला हूँ, 1 मिनट आने दो इधर आओ। ओके यहाँ पर देख सकते हो ये राइट साइड में बंदे पिस्तौल ही चलाने वाला हूँ। चलो यार अपनी गाड़ी को ये लोग डैमेज कर देंगे यार गाइस, फालतू में हम लोग ने लफड़ा ले लिया इन लोग से, भगाना पड़ेगा गाड़ी को वरना यार अपनी गाड़ी को बुलेट मार मार के डैमेज करेंगे। वैसे अपनी गाड़ी भी बुलेट प्रूफ है, कोई डरने की बात नहीं है। वैसे एक बार मैं वापस जाने वाला हूँ उनके मुंह पर ही चढ़ाने वाला हूँ गाड़ी को। 1 मिनट कहाँ पर गए सारे, आ जाओ। ओके तो वैसे यार बेलास गैंग के बंदे लोग करना जलाकर बहुत ज्यादा मजा आ चुका है, बट यार वो लोग तो सीधा फायरिंग ही करने लग गए थे अपने कार के ऊपर। अच्छी बात तो है कि अपनी जो कार है ना वो पूरी बुलेट प्रूफ है। तो चलो अभी हम लोग पहुंच चुके लेस्टर के घर के पास, तो अभी यहाँ पर ही कार को पार करते फटाफट से चलते हैं लेस्टर के घर पे, उसको हार्ड डिस्क दे देते और निकलते एयरपोर्ट के लिए। तो चल भाई फ्रैंकलिन चलते हैं लेस्टर के घर पे। तो चलो गाइस सर अभी मैं आ चुका हूँ लेस्टर के घर के अंदर, और चलकर देखते लेस्टर कर क्या रहा है। वैसे यार ये वापस किसी के तो वेबसाइट को हैक कर रहा है, मतलब यार इसको दिन में ना कोई काम ही नहीं रहता है, हमेशा हैकिंग ही करते रहता है, और अभी भी यार लगा हुआ है किसी के तो वेबसाइट को हैक करने में। तो चलो अभी इसको जो मैंने हार्ड ड्राइव लाइन है उसको दे देता हूँ, और उसको बोल देता हूँ कि वो जो जितना भी डेटा है ना वो सारा हार्ड ड्राइव में लगा हुआ है। और भाई ये शायद से परेशान है, ओके इसको लग रहा है यार हैकिंग नहीं हो रहा है, किसी की वेबसाइट शायद से क्रैक नहीं हो रही है, तो भाई यार ये तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है कर देगा, तो इसको मैं हार्ड ड्राइव अभी दे देता हूँ। तो ओके गाइस सर वो जो हार्ड ड्राइव थी ना मैंने वो लेस्टर को दे दिया, आप देख सकते हो सामने की तरफ टेबल पे इसने रखा है। तो अभी मुझे नहीं पता कि वो क्या करने वाला है उस सॉफ्टवेयर को लेकर, मतलब वो जो एप्लीकेशन था जो जैन और इसने डेवलप करा था, बट चलो यार जो भी करेगा अभी लेस्टर अच्छा ही करने वाला है। बट अब यहाँ पर एक बार ना हैकर के रूम का देखो, मतलब यार सारी तरफ आप देख सकते हो मशीन ही मशीन लगे हुए, मतलब सर्वर के मशीन यहाँ पर पड़े हुए, कितने सारे पीसी पड़े हुए, 3-3 मॉनिटर का सेटअप करा हुआ है, मतलब यार बंदा ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल का हैकर ही है। तो चलो अभी अपना जो काम है ना लेस्टर के पास हो चुका है, तो चल भाई लेस्टर टाटा बाय बाय, अभी मैं मिलता हूँ तेरे को बाद में, जब भी काम रहेगा बुलाना। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी 2 CCTV मॉनिटर लगाए हुए, और नीचे की तरफ शायद कोई लॉकर रखा है, इसमें शायद पैसे भी से रहेंगे, बट ये जो गेट है ना कभी खुलता नहीं, तो भाई यार कोई चोर भी घुस नहीं सकता। तो चलो गाइस अभी अपना जो काम है हो चुका है, तो फटाफट जाकर बैठते गाड़ी में और निकलते एयरपोर्ट के लिए, और जाकर चेक करते इस कार की स्पीड टेस्ट को। तो अभी फटाफट मैं इस गाड़ी को यहां से भगा के ओवर लेकर चलने वाला। तो ओके गाइस हियर वी गो, जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो हम लोग पहुंचने वाले एयरपोर्ट, बट यार अपनी जो कार है ना सही में बहुत ज्यादा स्पीड है, मतलब यार इस रोड पर चलाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, थोड़ी सी रेस दे रहा हूँ, गाड़ी सीधी 100 किलोमीटर पे जा रही है, और भाई सीधी सामने जो भी गाड़ी आ रही है ना उसके पास ही एकदम नजदीक पहुंच जाती है, मतलब यार कितनी ज्यादा स्पीड है। वैसे अभी आप देख सकते हो यार सनराइज होने को आने वाला है यार, मतलब रात जल्दी होने वाली, तो फटाफट से जाकर पहले स्पीड टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग को जाना है ट्रेलर को भी परचेस करने के लिए। वैसे खरीदने वाला नहीं हुआ, रेंट पर रहने वाला। तो ओके गाइस यार एयरपोर्ट में जाने का ना मैं आप लोग को एक सीक्रेट जगह बताता हूँ, तो ये वाला जो आप गेट देख
रहे हो ना, यहाँ से ना आपके एंट्रेंस ना इजीली हो सकती है। मतलब यार आपको कोई चेकिंग विकिंग करने की जरूरत नहीं होती। वैसे आप देख सकते हो वो जो पीछे छोटा सा ऑफिस है वहां पर कोई बंदा भी नहीं बैठा है। मतलब ये ना रोड बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का होता है, आप देख सकते हो कैसे ट्रक बिक जा रहे हैं। तो यहाँ पर ना ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जितना भी माल होता है ना वो यहाँ से आता जाता है। तो चलो अभी अपनी जो एंट्रेंस है ना वो तो फ्री में होने वाली है, तो एक बार ना ये वाला गेट को भी खोलकर देखते कि खुलता है कि नहीं। ओके, तो ये वाला गेट अभी खुल रहा नहीं, लेकिन पहले जब मैं आया था तब खुलता था। लेकिन वेट, यहाँ पर ना थोड़ी सी मेरे को कार को पास में लेकर जाना होगा, देखते हैं अभी खुलता है कि नहीं। तो गाइस यार एक बार लास्ट ट्राई करके देखते कि ये जो गेट है ओपन होता है कि नहीं। तो ओके, फाइनली आप लोग देख सकते हो अभी ये गेट खुल गया है, पता नहीं यार बाद में क्या हो रहा था। तो चलो, जैसे कि आप लोग देख सकते हो अपनी जो एंट्रेंस है वो एयरपोर्ट में हो चुके हैं। तो अभी फटाफट से चलते मेन एयरपोर्ट के एयरलाइन पर और जाकर इस कार की स्पीड को टेस्ट करते हैं। और जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं उसी रोड पर। तो गाइस यार अभी ये जो सामने रोड गई हुई ना, यहाँ से हम लोग अपनी कार को भगाने वाले और स्पीड को टेस्ट करेंगे। तो चलो, तो ओके गाइस यार फाइनली हम लोग ना स्पीड टेस्ट करने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो एक बार अपने टायर से स्मोक निकालते, पूरे इंजन को पावर देते और हियर वी गो। भाई यार 100 टच, देखते कितना जाता है। ओ भाई 200 भी टच कर दी गाड़ी ने। भाई 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 भाई, ओ भाई साहब यार क्या स्पीड है, 350 भी टच कर दी। वैसे मेरे को ब्रेक लगाना होगा, नहीं तो भाई अभी सामने जाकर ठुक जाती थी। तो गाइस यार वापस हम लोग एक बार स्पीड को टेस्ट करने वाले, क्योंकि यार मेरे को लग रहा है थोड़ी सी स्पीड कम थी। तो लेट्स गो, यहाँ से वापस मैं भगाने वाला हूँ। तो गाइस यार आप ना बस मेरे लिए एक काम करो, राइट साइड में आप देख पा रहे हो नीचे की तरफ जो स्पीडोमीटर है उस पर आप ध्यान देना और बताना कि अपनी स्पीड कितनी टच करती है। तो चलो हियर वी गो। भाई 100 चल दी। वैसे आप ध्यान देना, मैंने ध्यान दूंगा, नहीं तो मेरा जो फोकस है ना वो हट जाता है। तो चलो यार गाइस, स्पीड तो बहुत ज्यादा है इस वैनों की। भाई 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 यार यहाँ पर मुझे ब्रेक लगाना होगा, नहीं तो भाई ठुक जाएगी गाड़ी को। ओके भाई साहब यार ब्रेक भी कितना ज्यादा तगड़ा है। तो यार जिन लोग ने देखा रहेगा अपनी कार की कितनी स्पीड गई है वो कमेंट में मुझे बता देना। तो चलो यार अभी अपनी स्पीड तो टेस्ट हो चुकी है, तो अभी ब्रेक को भी टेस्ट करते हैं। वैसे ब्रेक भी बहुत ही ज्यादा तगड़े हैं इसके। तो अभी यार ड्रिफ्ट भी टेस्ट करते कि गाड़ी की कितनी तगड़ी ड्रिफ्ट लगती है। तो चलो अभी यहाँ पर पूरी स्पीड से भगाकर ड्रिफ्ट देखने वाला हूँ कितनी तगड़ी ड्रिफ्ट लगती है। तो लेट्स गो, यहाँ से एक राइट कर्न आता है। ओके भाई साहब, गाइस आप देख पा रहे हो यार क्या ही ड्रिफ्ट कार लगाती है। भाई 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 भाई, हो भाई साहब यार क्या ही तगड़ी कार है भाई, मानना पड़ेगा। मतलब यार कार तो पावरफुल है, बट इसके ऊपर जो मॉडिफिकेशन और जो चेंजेस करे हुए ना वो और ही नेक्स्ट लेवल के करे हुए। तो यार सही में यार मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, इतनी तगड़ी मॉडिफिकेशन हुई है अपनी कार के ऊपर। तो चलो यार फाइनली हमारा जो स्पीड टेस्ट है, साथ ही में ब्रेक टेस्ट, साथ ही में ड्रिफ्ट भी हो चुके। तो चलो अभी निकलते फटक से ट्रेलर को बुक करने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ यार रात होने से पहले ना अपने शोरूम में सारी कार्स आकर पार्क हो जाए। तो फटाफट अभी मैं निकलता हूँ और मैंने लामर को भी कॉल करके लोकेशन दिए जहाँ पर ट्रेलर सेल होते हैं। तो लामर भी आने वाले हैं और आप लोगों को पता है कि 3 बंदों की जरूरत क्यों पड़ने वाले, क्योंकि यार अपने 2 ट्रेलर में तो कार ही आ जाने वाले और 1 ट्रेलर में सारे बाइक्स आ जाएंगे। तो फटाफट से अभी मैं चलता हूँ, लामर पहुंच भी जाएगा क्या पता, क्योंकि यार वो जो लोकेशन है ना वो लॉस सेंटर से बहुत ज्यादा पास है। तो फटाफट अभी मैं चलता हूँ इस कार को भगाते हुए लेकर। वैसे टाइम तो नहीं लगेगा अपने को इस गाड़ी को भगाते हुए लेकर जाने के लिए, बट हाँ दिक्कत सिर्फ ये है कि रात हो जाएगी तो वहाँ का जो ऑफिस है ना ट्रेलर का वो शायद बंद भी हो सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि यार ऐसा कुछ हो, क्योंकि यार वहाँ पर जाकर मेरे को देखना भी होगा कि ट्रेलर भी अवेलेबल है कि नहीं। तो फटाफट अभी गाड़ी को मैं यहाँ से कट लेता हूँ और भगाते हुए लेकर चलता हूँ उसी ट्रेलर के ऑफिस के पास और जाकर देखते हैं कि ऑफिस चालू है कि नहीं। वैसे अभी आप यहाँ पर देखना अपनी जो कार है ना वो कितनी ज्यादा इजीली स्मूथली कट बिट से निकल जाती है, और ये जो पोल है ना इस सबको तोड़ते हुए जाने की मजा ही कुछ अलग है। आप देख पा रहे हो और कितनी ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब यार इसका आवाज ही सुन के मजा आता है। तो चलो यार अभी आप देखो यार यहाँ से क्या ही कार अपनी स्मूथली निकलने वाली है। ओ भाई यार क्या ही तगड़ी यार, भाई 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 मानना पड़ेगा यार क्या ही तगड़ी सुपर कार अभी अपनी हो चुकी है। तो चलो अभी फटाफट से चलते हैं। तो चलो गाइस यार फाइनली मैं अभी पहुंचने वाला हूँ ट्रेलर के ऑफिस के पास, और यहाँ पर आप देख सकते हो मैं पहुंच चुका हूँ। और यहाँ पर आप देखो कितने सारे ट्रेलर अवेलेबल है और पीछे की तरफ ऑफिस भी चालू है। तो चलो सबसे पहले मैं अपनी कार को यहाँ पर पार्क कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ढंग के मैंने कार तो पार्क कर दी। वैसे लामर भी आया हुआ है ना। ओके, वहाँ पर देख सकते हो ऑफिस के बाजू में लामर वेट कर रहा है। तो फटाफट चल कर ना ये जो 3 ट्रेलर है ना इसको मैं जाकर बुक करता हूँ, इसकी पेमेंट कर देता हूँ और रेंट पर ले लेते एक दिन के लिए। तो चलो यहाँ पर ऑफिस तो चालू है, ये बंदा कुछ तो खा रहे, तो चलो अभी इसको मैं पेमेंट कर देता हूँ। तो चलो गाइस सर मैंने 3 ट्रेलर का पेमेंट कर दिया इस ऑफिस में, और इस ऑफिस का नाम आप देख सकते हो ओमेगा है। तो यहाँ पर ना मैंने फ्रैंकलिन और
और लामर इन दोनों को बोल दिया कि तुम ट्रक में जाकर बैठो और फटाक से निकलो टिंसल टावर और वहां से अपने शोरूम में के सारे कार्स को निकालो और जाओ सीधा शोरूम में। और मैं पीछे से आने वाला हूं क्योंकि आप लोगों को बताता हूं कि अपनी जो लैम्बो वेनेनो है इसको मुझे अभी लोड करना होगा ट्रक के अंदर मतलब ट्रेलर में और फिर मुझे निकलना होगा क्योंकि यार मैं ट्रेलर चलाऊंगा तो अपनी लैम्बो वेनेनो यहां पर ही रहेगी। तो फटाफट ना अभी एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं ट्रेलर को बाहर निकलता हूं और आप देख सकते हो लामर और फ्रैंकलिन निकल चुके हैं। तो चलो अभी मैं बैठता हूं ट्रक के अंदर, इसको थोड़ा सा आगे लेते फिर अपने लैम्बो वेनेनो को पीछे में लोड करने वाला हूं और लामर और फ्रैंकलिन को मैंने कार्स को निकालने के लिए बोला क्योंकि बाइक को मैं कैरी करने वाला हूं। तो चलो अभी यहां पर ट्रक तो स्टार्ट हो चुके हैं, यहां पर ना अच्छे से पहले मैं ट्रक को असाइन करता हूं और फिर जाके ओके अभी यहां पर हो चुका है तो मैं पीछे का इसका ट्रेलर खोल देता हूं, रैम खोल देता हूं और फिर अपने लैम्बो वेनेनो को लोड कर देता हूं मैं। तो चलो अभी आप यहां पर देख सकते हो कि अपनी जो लैम्बोर्गिनी वेनेनो है इसको मैंने किस तरह से पूरे प्यार से ऊपर ट्रक पर लोड कर दिया है ट्रेलर पे। और अभी आप पीछे की तरफ देखो यार कितनी मस्त ट्रेन जा रही है। तो हाँ अभी चलो इस ट्रक को भी निकलते और फटाफट चलते अपने टिंसिल टावर गैराज में, बाइक को सारे लोड करेंगे और फिर चलेंगे अपने शोरूम में। और यार फ्रैंकलिन और लामर तो शायद पहुंच भी गए रहेंगे आधे रोड पर क्योंकि यार वो लोग अपने से बहुत पहले निकल चुके थे। तो अभी आप यहाँ पर देखो इस ट्रक की जो स्पीड है ना पूरे 60 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है। तो अभी यार काम बहुत ज़्यादा स्लो होने वाला है, ट्रैवल अपना बहुत ज़्यादा स्लो होने वाला है। तो फटाफट से अभी मैं चलता हूँ और मिलता हूँ डायरेक्टली आपको अपने शोरूम पर। तो चलो गाइस यार फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने शोरूम पे गैराज से। पर यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास टोटल 5 ही बाइक है और बाकी के जो भी 5 बाइक थे ना वो लामर और फ्रैंकलिन ने लेकर लाए थे। अब मुझे नहीं पता कि उन लोग ने कैसे ट्रेलर में भरा रहेगा कार के साथ बाइक को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेलर पड़ा हुआ है और एक मिनट भाई इन लोग ने अपने शोरूम के अंदर कार और बाइक्स को भी पार कर दिया है और वो देख सकते हो ऊपर की तरफ वो लोग खड़े। तो चलो अभी एक काम करता हूँ मैं भी सारे बाइक्स को ना अंदर पार्क कर देता हूँ और फिर ऊपर चलते हैं उनसे मिलते हैं। तो चलो गाइस सर फाइनली हमारे शोरूम में कार्स और बाइक आकर तो खड़ी हो चुकी है, बट अगर लामर और फ्रैंकलिन इस काम में मदद नहीं करते ना तो आज के दिन में ये काम ही नहीं होता। वैसे मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि टाइम क्या हो रहा है, 2:33 हो चुकी, पूरी मिडनाइट हो चुकी। तो अभी आप यहाँ पर देखो एक बंदा भी नहीं घूम रहा है, लॉस सेंटर्स में गाड़ी कितनी चलती रहती है अभी एक गाड़ी भी नहीं जा रही है। तो अभी मैंने लामर और फ्रैंकलिन को बोला कि तुम अभी अपने घर पे मत जाओ, मेरे घर पे रेस्ट करो। तो चलो अभी फटाफट चलते घर पे, खाना पीना खाते और जाकर सो जाते पहले क्योंकि आज का जो दिन है ना मस्त वाला गया हुआ है। तो चलो गाइस यार फाइनली खाना भी ना खाकर हो चुका है और लामर और फ्रैंकलिन दोनों भी हमारे मेन हॉल में सो गए। मैं आप लोगों को चलकर दिखाता हूँ और अभी भी हम लोग चलकर जाकर सोते हैं। वैसे इन लोगों को देखो यार कैसे सोए, लामर को तो देखो भाई यार सोफा भी लिया है साथ ही में ये नीचे टेबल भी लिया है और अपना फ्रैंकलिन तो काउच पे सो गए। तो चलो इन लोग को अभी सोने दो क्योंकि इन लोग को सुबह उठकर ना पहले जाकर वो ट्रेलर को भी दे आना है। और हाँ साथ ही में मैंने लामर को और एक काम दिया, उसको मैंने बोला कि अपने शोरूम से 3 कार को लेकर जाओ उसी ऑटो गैराज शॉप में और जाकर उनको मॉडिफाई करके लेकर आना। तो चलो अब ये भी काम लामर करने वाला है। तो चलो गाइस यार अभी मैं भी जाकर फटाफट से सो जाता हूं। तो चलो आज वाले वीडियो में बस इतना ही। और हाँ यार आज का जो दिन था ना माइकल का वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा था, मतलब आज की वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल थी। तो चलो अभी आज के दिन हम लोगों का 2 काम हो चुका है, पहले तो अपनी लैम्बोर्गिनी वेनेनो ये मॉडिफाई होकर पूरी रेडी हो चुकी है और साथ में अपना शोरूम भी कंप्लीट हो चुका है। तो मैं सोच रहा हूं अभी अपना शोरूम है ना वो कल से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अपना बिजनेस कितना ज्यादा चलता है। तो चलो यार जिन जिन लोगों को आज वाला वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग को एक काम करना होगा, मेरे ही चैनल के राइट साइड में आप लोग को एक सब्सक्राइब कलर का बटन दिखेगा उसको आपको दबाकर करना है ग्रे और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करके कर देना ऑल पर। इसी के साथ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और बताना कि आप लोग को आज वाला वीडियो कैसा लगा। और हाँ शेयर करना अपने दोस्त लोग के साथ और उन लोग को भी बोल देना कि कर दो चैनल को सब्सक्राइब। तो चलो गाइस अभी मैं मिलता हूं आप लोग को ऐसी अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।